तो दोस्तों नागिन 4 के आने वाले एपिसोड में क्या होगा, और दूसरी तरफ वृंदा और महादेव के लाल टेकरी मंदिर में कौन से राज खुलने वाले हैं, और नागरानी मान्यता और नयनतारा अपने बदले के लिए सबसे पहले किसे मारेंगी, और कौन कौन से बड़े राज खुलेंगे, और क्या होगा आने वाले एपिसोड में, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि नागिन 4 की न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। अगले एपिसोड में सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब महादेव और वृंदा का सबसे बड़ा राज खुलेगा। जी हाँ दोस्तों, लाल टेकरी मंदिर के पास सबसे बड़ा राज का खुलासा होगा, जहाँ सबको पता चलेगा वृंदा और कोई नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है। क्योंकि पूरे 25 साल पहले वैशाली और पारेख परिवार ने नागरानी मान्यता के पति यानी केशव को जान से मार दिया था, और नागरानी मान्यता अपनी और अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए पहाड़ी से कूद गई थी। और पूरे 25 साल बाद नागिन अपने पति के मौत का बदला लेने ना आ जाए, इसलिए वैशाली ने नागिन वृंदा के साथ अपने परिवार के गहरे रिश्ते बना लिए। लेकिन सबसे बड़े चौंकाने वाली बात ये है कि वृंदा एक इच्छाधारी नागिन है, यह बात सिर्फ वैशाली को पता है और किसी को भी इस बात का भनक भी नहीं है। कहानी में इंटरेस्टिंग मोड तब आएगा जब नागरानी मान्यता अपने पति का बदला लेने के लिए और नयनतारा अपने बाबा का बदला लेने के लिए पूरे पारेख परिवार को जान से मारेगी। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि जब नयनतारा देव पारेख को जान से मार रही होती है, तभी एक पीली नागिन उसे बचाने के लिए आ जाती है, और वही पीली नागिन और कोई नहीं बल्कि वृंदा होगी। तभी नयनतारा और वृंदा के दोनों के बीच बहुत बड़ी जंग देखने को मिलेगी, और इस जंग में वृंदा जीत जाएगी और देव पारेख की जान बचा लेगी। और इसी तरह से नयनतारा और नागरानी मान्यता को पारेख परिवार से बदला लेने के लिए सबसे पहले वृंदा से भिड़ना होगा और वृंदा से टकराना होगा। तो दोस्तों आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे ताकि हम आपको नई अपडेट देते रहेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।